एवरीवन, आज हम सीटेट जनवरी 2024 की सीडीपी का जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन को हिंदी में हम समाजीकरण बुलाते हैं, ठीक है। तो सोशलाइजेशन से आप क्या समझते हो, समाजीकरण से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो सोशलाइजेशन का मतलब होता है जब, है ना, आप अपने आसपास से, अपने आसपास की सराउंडिंग से, है ना, बहुत सारे नॉर्म्स, वैल्यूज, आइडियोलॉजी, है ना, इंटरनलाइज कर लेते हो। इंटरनलाइज करने का मतलब होता है, अच्छा ठीक है, जैसे कि सोचो आप एक फैमिली में पैदा हुए, ठीक है, वहां पे, है ना, कोई कोई ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं। ज़रूरी नहीं आपकी मम्मी ने आपको बताया कि हमारे घर में सुबह इतने बजे उठ के पूजा होती है, हम इस दिन ये खाना बनाते हैं, हम इस फेस्टिवल को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। ये सब कुछ ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने आपको बोल के बताया, आपने देख कर सीख लिया, ठीक है, आपने ऑब्जर्वेशन से कोई चीज़ सीख ली, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंटरनलाइज करना, ठीक है। जब, है ना, कोई चीज़ प्रैक्टिस आपके आसपास होती थी तो आपने उसको अपने अंदर इंटरनलाइज कर लिया, ठीक है। तो जब, है ना, हम नॉर्म्स, वैल्यूज, आइडियोलॉजीज, सोसाइटी जो हमसे एक्सपेक्ट करती है उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, समाजीकरण बुलाते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, आपको पता है, आप सबसे पहले लैंग्वेज सीखते कैसे हो, आप, है ना, सोसाइटी से ही सीखते हो। जब आप अपने घर पे लोगों को बात करते हुए देखते हो तो आपका वोकैबुलरी इतना बड़ा कैसे हो जाता है, आप तो अभी स्कूल भी नहीं जाते हो, ठीक है। तो स्कूल जाने से पहले ही बच्चा कैसे सीख जाता है, क्यों, क्योंकि वो सोसाइटी में, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में लोगों को बात करते हुए सुनता है, तो अब वो बोलने लगा है, ठीक है। अब सोशलाइजेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, पहली बात तो सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा चलेगा। आपका सोशलाइजेशन हमेशा हो रहा होता है ना, शुरू में आपका सोशलाइजेशन घर में हो रहा होता है, फिर आप स्कूल में जाने लग जाते हो, फिर आप जॉब करने लग जाते हो, कॉलेज जाते हो, ठीक है। तो लाइफ लॉन्ग, जब तक आपकी लाइफ चलती रहेगी, ठीक है, जब तक आप मर नहीं जाते हो, हमेशा सोशलाइजेशन में आप पार्ट ले रहोगे ना। सोसाइटी से आइसोलेट होके तो आप कोई नहीं रह सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा फायदा क्या होता है, आपका जो कल्चर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होता है। अब हमें कैसे पता है कि हमें कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है, या हमारे घर पे कौन से पर्टिकुलर, अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, सोचो आप पंजाब से बिलोंग करते हो, तो आपके यहाँ पे ना लोहड़ी मनाई जाती है, लोहड़ी कैसे मनाई जाती है, ये सारा का सारा कल्चर आपको कैसे पास हो रहा है, आपके पुरानी जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, सोशलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू। सेकेंड, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। सोशलाइजेशन हर दिन चल रहा होता है, आप लोग रोज आप लोगों से बात करते हो ना, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। इसके अलावा ये आपकी क्या मदद करता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं ना, वो ना किसी से बात नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत ही आइसोलेटेड रहते हैं, तो, है ना, उनको, है ना, उनका पर्सनैलिटी वैसा नहीं होता, उनके अंदर वो बात नहीं होती है, क्यों, क्योंकि उनको पता ही नहीं है लोगों से बात कैसे करना है, किसी प्रॉब्लम से डील कैसे करना है, उनको बस, है ना, आइसोलेट करना ही आता है, वो, है ना, अपने आप को अलग कर लेते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में आएंगे अपने आप को अलग कर लेंगे, लेकिन उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती है, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है सोसाइटी में रह के, जब आप इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि सोचो आप, है ना, किसी गाँव में रहते थे, ठीक है, वहाँ से आप शहर में आए, शहर में आके आपने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीखी, ठीक है, अच्छी भी सीखी, बुरी भी सीखी, लेकिन वो सब आपकी पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। जब आप वापस अपने गाँव गए, ठीक है, तो उन्होंने देखा आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, आपको इतनी सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में नॉलेज हो गया, तो बोलेंगे ना उसकी पर्सनैलिटी कितनी चेंज हो गई है, ठीक है। उसके बाद जो सोशलाइजेशन हो सकता है, ये फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। फॉर्मल का मतलब है आप किसी एक कॉलेज में जा रहे हैं, आप किसी स्कूल में जा रहे हो, वहाँ पर जो आपका सोशलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पर जब आपको सोसाइटी के बारे में सिखाया जा रहा है। इनफॉर्मल का मतलब होता है जब आप घर पे हो, अपने दोस्तों के साथ हो, ठीक है, वहाँ पर जो आप सीख रहे हो, बहुत कुछ सीख रहे हो ना, वहाँ पे भी तो आप बातें हो रही हैं, बहुत कुछ आइडियाज डिस्कस हो रहे हैं, वहाँ पे भी तो आप सीख रहे हो ना, तो वो क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। तो सोशलाइजेशन फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। अब सोशलाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो है प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होता है ना, मोस्टली वो हमारे चाइल्डहुड में हो रहा होता है, हमारे इन्फेंसी में हो रहा होता है, जब हमें ना 2 से 3 साल की एज में होते हैं, हमें ना ज्यादा बाहर नहीं जा रहे होते हैं, तो बच्चा सारा दिन किससे इंटरेक्ट करता है, सिर्फ फैमिली से ही इंटरेक्ट करता है, ठीक है, तो पूरे टाइम फैमिली के साथ ही रहता है। तो सोशलाइजेशन का जो एजेंट है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का जो एजेंट है, वो कौन है, फैमिली है। आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट लिखेंगे, वहाँ पे आपको ना फैमिली, पीयर, स्कूल, मीडिया सब ऑप्शन दिए होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी सोशलाइजेशन सिर्फ फैमिली से होता है, ठीक है। आपका प्राइमरी इंटरेक्शन क्योंकि सिर्फ फैमिली से होता है, तो आप जो सब कुछ अपने बचपन में सीखते हो, सबसे छोटी एज में जो सीखते हो, वो सब कुछ आप अपनी फैमिली से सीखते हो, तो आपका प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से होता है, प्राथमिक समाजीकरण कहाँ पे होता है, आपका फैमिली के साथ होता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जब बच्चा है ना स्कूल जाने लग जाता है, पड़ोसी के घर जाने लग जाता है, ठीक है, प्लेग्राउंड में जाने लग जाता है, ठीक है, तो उसका सोशलाइजेशन नेबरहुड से, स्कूल से, पीयर ग्रुप से, मीडिया से, इन सब से भी होगा ना। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के जो एजेंट है वो कौन कौन हो सकते हैं, आपके पड़ोसी, आपके साथ पढ़ने वाले लोग, ठीक है, आपका स्कूल, और अब आप, है ना, मीडिया को भी देखने लग जाते हो। अब आप 2 साल से बड़े हो गए तो आपको, है ना,
और भी तरीके आ गए ना, आप अखबार पढ़ सकते हो, आप मैगजीन पढ़ सकते हो, आप न्यूज़ देख सकते हो, ठीक है। तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन के बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी सोशलाइजेशन का एजेंट कौन है? फैमिली। उसके बाद आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन का मतलब होता है एंटीसिपेट, एंटीसिपेट का मतलब होता है फ्यूचर में होने वाला इवेंट। तो सोचो फ्यूचर में है ना, मैं एक जगह को ज्वाइन करने वाली हूँ, मैं किसी कंपनी को ज्वाइन करने वाली हूँ, या फिर जो मैंने एग्जाम्पल दिया, आप है ना आईआईटी में जाने वाले हो, तो आईआईटी में जाने से पहले आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो ना कि आपको है ना ये आना चाहिए, आप आईआईटी में एंट्रेंस लेने के लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए, वहाँ का कल्चर ऐसा होता है, वहाँ पे इतने घंटे पढ़ाई करनी होती है, ये सारी बातें अगर आप पहले से एक्सेप्ट कर रहे हो, इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपनी लाइफ में, पहले से इनको सीख रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ठीक है। या फिर सोचो आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हो, आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको पता ना बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ जीना होती है। तो सोचो अगर आप अभी बहुत डिसिप्लिन नहीं हो, आप बहुत जल्दी नहीं उठते हो, तो अगर आप वो हैबिट बना रहे हो कि मुझे ना थोड़ा जल्दी उठना है क्योंकि वहाँ पे जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है, तो ये क्या है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है। जिस ग्रुप को, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप फ्यूचर में ज्वाइन करना चाहते हो, जब आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस लाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। उसके बाद आता है री सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन वर्ड के आगे री जुड़ गया है। री का मतलब क्या होता है? दोबारा, ठीक है। तो जब है ना आपको कोई चीज़ है ना दोबारा करनी पड़े, तो इसका मतलब होता है जब आपका है ना जो पुराने अपने जो बातें सीखी हुई थी, पुराना सोशलाइजेशन जो आपके अंदर था, जब आपको उसको डिस्कार्ड कर देना है और नया बिहेवियर पैटर्न सीखना है, ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं? री सोशलाइजेशन। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, कैसे आप इसको याद रख सकते हो? सोचो एक लड़की की शादी हुई और वो अपने ससुराल में गई, लेकिन उसके ससुराल में जो रूल्स है ना वो बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। उसके घर पे एकदम खाने का कल्चर अलग था, रहने का कल्चर अलग था, लोगों का बात करने का कल्चर अलग था, यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। तो जब वो है ना इन नॉर्म्स को सीखने लग जाती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? री सोशलाइजेशन हो रहा है उसका। या फिर कोई है ना एक गांव में रहता था, अब वो सिटी में आ गया है, ठीक है, तो गांव में लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं जैसे, ठीक है, या बहुत जल्दी सुबह उठ जाते हैं, लेकिन सिटी में ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो रही होती है, ठीक है। तो जब आप है ना सिटी के न्यू रूल सीख रहे हो, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? री सोशलाइजेशन होना। या फिर आपने आर्मी भी ज्वाइन की, तो आपको पता ना आर्मी भी एक डिफरेंट लाइफ है, टोटली डिफरेंट लाइफ है, ठीक है। तो वहां पे जब आप आर्मी के रूल्स रेगुलेशन सीख रहे हो, ये क्या है? री सोशलाइज हो रहे हो आप। या उसके अलावा सोचो आप इंडिया में रहते थे पहले, और इंडिया में ना हम अपने नेबर्स के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रखते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन रखते हैं, कॉन्टिन्यूअसली एक दूसरे के घर जाते रहते हैं। सोचो आप है ना दूसरी कंट्री में रहने गए, तो वहाँ पे ना सोचो सब लोग है ना अपने बेसिस पे रहते हैं, ठीक है, आपको अपना सारा काम खुद करना है, वहाँ पे इतने आपके कोई दोस्त नहीं है, रिलेटिव्स नहीं है, वहाँ पे खाने की जो प्रैक्टिसेस है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये भी क्या हुआ, एक तरीके से आप रीसोशलाइज होंगे ना, आपको उस कंट्री के अकॉर्डिंग अपने आपको अडॉप्ट करना पड़ रहा है कि वहाँ पर इतना शोर नहीं मचा सकते, आप पानी वेस्ट नहीं कर सकते, या बहुत सारी ऐसी ऐसी नॉर्म्स जो उस कंट्री में चलती होंगी वो आपको अगर फॉलो करनी पड़ रही है, तो ये क्या हो रहा है? आपका रीसोशलाइजेशन हो रहा है। उसके बाद आता है एक्टिव सोशलाइजेशन। क्या होता है एक्टिव सोशलाइजेशन का मतलब होता है जब आप है ना सोशलाइजेशन के प्रोसेस में ना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। आप है ना सोचो कोविड में जैसा हुआ, कोविड केस में क्या हो रहा है, कोविड में ना लोगों के पास खाना नहीं है, तो आप है ना एक एक्टिव मेंबर हो, आप है ना लोगों के लिए खाना बना रहे हो, उस खाने को डिलीवर कर रहे हो, सोसाइटी बहुत सारे लोगों से आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है? एक्टिव सोशलाइजेशन है, ठीक है ना, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को जान रहे हो, उनकी मदद कर रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ? एक्टिव सोशलाइजेशन हुआ, जहाँ पे आपने एक्टिवली पार्ट लिया। एक होता है पैसिव सोशलाइजेशन। पैसिव सोशलाइजेशन का मतलब है आप है ना सोसाइटी के नॉर्म सीख रहे हो, लेकिन है ना एक्टिवली पार्ट लेके नहीं, आप बस बैठे हुए हो और उससे सीख रहे हो। जैसे कि सोचो आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आपका ना पैसिव सोशलाइजेशन हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बोल नहीं रहा है, आप अपनी किताबों से सीख रहे हो, लोगों को देख के सीख रहे हो कि अच्छा लाइब्रेरी में आपको साइलेंस मेंटेन करना है, ठीक है। ये सारा कुछ आप कुछ है ना चुपचाप बिना कोई एक्टिवली पार्ट लिए सीख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं पैसिव सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन के एजेंट कौन कौन हो सकते हैं? फैमिली, नेबर, आपके दोस्त, आपका स्कूल, मीडिया, कॉलेज, फ्रेंड्स, आपके ऑफिस वर्कर्स, ये सब कुछ आपके सोशलाइजेशन के एजेंट हो सकते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन के एजेंट फैमिली होती है, सेकेंडरी में नेबर भी आ सकते हैं, पीयर भी आ सकते हैं, स्कूल भी आ सकते हैं, मीडिया भी आ सकता है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि सोशलाइजेशन है ना किस स्टेज में कैसे रहता है। तो सबसे पहले आती है प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज का मतलब होता है जब बच्चा है ना अपनी माँ के पेट में है, ठीक है। तो हमें ना कोई आइडिया ही नहीं कि उस टाइम वो सोशलाइज करता है कि नहीं करता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज आजकल ऐसा दिखाती है ना कि बच्चा आवाज़ सुन रहा होता है, समझ रहा होता है, लेकिन सोशलाइज तो नहीं कर रहा है ना, वो किसी से बात नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्री नेटल स्टेज में हमें कोई ज़्यादा आइडिया नहीं है कि सोशलाइजेशन कैसे हो रहा होता है। उसके बाद जो इन्फेंसी स्टेज होती है, पैदा होने के बाद उसकी जो 2 साल तक की एज है, अब वो सोशलाइज कर रहा है, लेकिन किसके थ्रू? सिर्फ फैमिली के थ्रू, प्राइमरी सोशलाइजेशन के थ्रू। उसके बाद है ना फास्टेस्ट सोशलाइजेशन, सबसे ज्यादा सोशलाइजेशन कौन सी स्टेज में हो रहा होता है? अर्ली चाइल्डहुड में। अर्ली चाइल्डहुड में क्यों हो रहा होता है?
क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में ना बच्चा प्लेग्राउंड में जाने लग जाता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है, बहुत सारे दोस्त बन रहे होते हैं, बहुत सारे लोगों को देख रहा होता है, ठीक है। तो फास्टेस्ट सोशलाइजेशन होता है अर्ली चाइल्डहुड में। फिर मिडिल चाइल्डहुड में भी सोशलाइजेशन बहुत फास्ट होता है। यहाँ पे ना मीडिया का इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है, दोस्तों का इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है। एडोलेसेंस में तो दोस्तों का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ जाता है, आप फैमिली को थोड़ा इग्नोर करने लग जाते हो, आपको लगता है फैमिली तो गलत ही सिखा रही है, जो मेरे दोस्त कह रहे हैं वही सही है, ठीक है। तो आपका जो ज्यादातर एडोलेसेंस में आपका सोशलाइजेशन रहता है वो क्या होता है, आपका पीयर ग्रुप होता है। अब सोशलाइजेशन पे ना किस किस बात का फर्क पड़ता है, ऑफकोर्स सी बात है आपकी कंट्री का फर्क पड़ता है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, क्योंकि हो सकता है आपकी कंट्री में जैसे रूल्स फॉलो होते होंगे आप वैसा ही तो सोशलाइज करोगे ना। सोचो जैसे अफगानिस्तान है, ठीक है, ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ना वुमेन्स के जो रोल्स हैं वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। तो वहाँ पे है ना, वहाँ का सोशलाइजेशन अलग होगा, वहाँ पे जो लड़कियाँ होंगी वो अलग सोचती होंगी, लड़के जो होंगे वो अलग सोचते होंगे, उनका जो सोशलाइजेशन है वो अलग होगा, ठीक है। तो आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो ये भी आपके सोशलाइजेशन पे फर्क डालता है। आपका जेंडर क्या है, ठीक है, तो जैसे कुछ कुछ कंट्रीज में, हमारी कंट्री में हम ऐसा मानते हैं कि अच्छा लड़कियों को इतने बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, सेफ नहीं है, ठीक है। तो इस बात का फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा हमारे सोशलाइजेशन पे, ठीक है। आपका कल्चर कैसा है, आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो, आपका कल्चर बहुत ही ओपन है, ठीक है, आपका कल्चर बहुत ही क्लोज है, सिर्फ फैमिली तक रेस्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है। तो इस बात का भी आपके सोशलाइजेशन पे फर्क पड़ता है। लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ता है। सोचो आपको है ना एक लैंग्वेज आती है, ठीक है, आपको सिर्फ हिंदी आती है, ठीक है। तो बहुत सारे जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, आप उनसे बात ही नहीं कर सकते, तो आपका जो सोशलाइजेशन है लिमिट हो गया ना। लेकिन सोचो आपको 5-6 लैंग्वेज आती है, ठीक है, आप पंजाबी भी बोल लेते हो, आप इंग्लिश भी बोल लेते हो, आप हिंदी भी बोल लेते हो, तो आप है ना बहुत सारे लोगों से बात कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। और जितने ज्यादा लोगों से आप बात कर पाओगे उतना ज्यादा आपका सोशलाइजेशन होगा। फिर उसके बाद है ना इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। सोचो आप है ना एक ऐसे इंसान हो जाके ना सामने से एक कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आप जाके जब सामने से कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हो, आपका इंटरेक्शन लेवल बहुत ज्यादा हाई है, तो आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है वो बहुत डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू एक ऐसा इंसान जो ज्यादा बात नहीं करता है, ठीक है। वो ज्यादा लोगों से इनिशिएट नहीं करता है बातें, वो सोचता है कि लोग आके बात करेंगे ना, मैं क्यों जाऊँ, ठीक है। तो इस बात का भी बहुत फर्क पड़ता है आपके सोशलाइजेशन पे। तो आपकी नेशनैलिटी का भी फर्क पड़ता है, आपके जेंडर का भी फर्क पड़ता है, कल्चर का भी फर्क पड़ता है। अब सोशलाइजेशन की जरूरत क्या है, समाजीकरण करने की जरूरत ही क्या है, तो आपको पता है लैब वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है जिसको हम सोशियो कल्चरल थ्योरी कहते हैं, वो है ना समाजीकरण को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। उन्होंने बोला कि इंसान सीखता ही सब कुछ 3 फैक्टर से है, ठीक है, उनमें से क्या होता है सोसाइटी, लैंग्वेज, कल्चर, इन 3 से ही तो सब कुछ सीखता है इंसान, ठीक है। तो सोशलाइजेशन से आप क्या क्या सीखते हो, आप सोशल बींग बनते हो। आपको पता है ना एनिमल मतलब जो ह्यूमन है वो एक सोशल बींग है, ऐसा अरस्तू ने कहा था ना कि मैन इज अ सोशल बींग, ठीक है। तो सोशल बींग हम सोसाइटी में जन्म ले ही इसलिए रहे ना कि हमें सोसाइटी का पार्ट बनना है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन ही अगर नहीं सीखेंगे तो आइसोलेट होके रह जाएंगे ना, ठीक है, फिर आपको कोई सोसाइटी का पार्ट मानेगा भी क्यों। उसके अलावा आपको है ना सोशलाइजेशन से आपके पास हैप्पीनेस आती है। आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो, दोस्तों के साथ ही सेलिब्रेट करते हो ना, फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करते हो ना, तो हैप्पीनेस का रीजन होता है। आपकी जो हैबिट्स बनती है वो आपकी फैमिली से, सोसाइटी से आती है कि नहीं आती है, कि आप कितने बजे उठते हो, आपकी फैमिली में क्या प्रैक्टिसेस चलती है, ठीक है। कॉपरेशन सीखते हो आप, है ना, लोगों की मदद करना। अगर आप सोसाइटी का एक मेंबर नहीं मानते खुद को तो आप लोगों की मदद भी नहीं करोगे ना। कुछ लोग होते हैं वो सोसाइटी के लिए बड़ी सी बड़ी हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, चाहे उसमें उनको कोई फायदा भी नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि उनके अंदर है ना बहुत ही हाई सोशलाइजेशन है, उनको लगता है दूसरों की मदद करना बहुत जरूरी है। एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब होता है जब आप सोशलाइज होते हो तो आप है ना दूसरे की तरफ है ना बहुत करुणा भाव रखते हो, ठीक है, मतलब आप उसकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो, आप दूसरों की प्रॉब्लम्स हमेशा सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, उनको सॉल्व करने की ट्राई करते हो। ये सारी चीजें आपको कहाँ से मिलती है, सोशलाइजेशन के थ्रू। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें सोशलाइजेशन से मिलती है वो है हमारी लैंग्वेज। अगर मैं बात ही नहीं करूँगी, किसी की बात सुनूंगी नहीं, किसी से बात ही नहीं करूँगी, तो मैं लैंग्वेज नहीं सीख पाऊंगी ना। अभी ये क्लास किस लिए पॉसिबल हो पा रही है, क्योंकि मैं जो लैंग्वेज बोल रही हूँ वो आप समझते हैं। अगर आप ये अगर यही लेक्चर मैंने फ्रेंच में दिया और आपको फ्रेंच आती ही नहीं है तो आप नहीं समझ पाओगे ना। तो लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको किससे मिलता है, सोसाइटी से मिलता है। थैंक यू, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी चारों थ्योरीज कंप्लीट हो गई है और लैब वाइगोत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़िएगा।